आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ शनिवार को लखनऊ में सीएम योगी द्वारा किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। एसएसपी का कहना है कि इस मिशन के तहत महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ शनिवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मिशन के तहत महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का पुलिस लाइन में प्रसारण किया गया। एसएसपी मुनिराज जी का कहना है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिसंबर तक कार्यक्रम किए जाएंगे। आज का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति फेज 3 का शुभारंभ कर रहा है। उस कार्यक्रम जो थे ये इस महीना पहले से शुरू हो गया। मिशन शक्ति प्रोग्राम ये दिसंबर तक चलेगी। मिशन शक्ति प्रोग्राम में विभिन्न कार्यक्रम चलेगी। इस पर सभी डिपार्टमेंट्स का अलग अलग टास्क दिया है, टारगेट दिया है, उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। आज हमारा पुलिस विभाग में हम लोग आज बैठा है। आज फॉर्मली लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। उसके बाद लगातार ये मिशन शक्ति के कार्यक्रम चलेगी। इस पर हम लोग कई तरीके कार्यक्रम कराना चाहते हैं। हम लोग खासतौर से हमारा पुलिस विभाग है, जो भी महिला संबंध अपराध है उसका डिस्पोजल करना है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी मुनिराज जी का कहना था कि महिला संबंधी अपराधों के बारे में महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए स्कूल और कॉलेज में सेमिनार किए जाएंगे। सेमिनार में छात्राओं को रास्ते में आते जाते समय किसी भी तरह की होने वाली घटना से बचाव के टिप्स दिए जाएंगे। महिला पुलिस कर्मी को हम जागरूकता करेंगे, हमारा पुलिस कर्मचारी भी जागरूकता करेंगे। कैसे महिला विक्टिम है, महिला पीड़ित है, उनसे कैसे उनका साथ बिहेवियर रहना चाहिए, उनके कैसे हैंडल करना है, और जो महिला पीड़ित है उनका विक्टिम्स है उनका काउंसलिंग कराना है, उसके बारे में भी हम लोग को कई कार्यक्रम चलेगी। और उसके अलावा भी जो स्कूल कॉलेजेस स्कूल और कॉलेज गोइंग बच्चे का उनको भी हम लोगों ने कैंपेन चलाएंगे। उनका सेल्फ डिफेंस टेक्निक के बारे में कैंपेन चलाएंगे और साथ साथ उनका कानून के बारे में जागरूकता करेंगे। मिशन शक्ति के कार्यक्रम के लिए एसपी प्रोटोकॉल शिवराम और सीओ कोतवाली अर्चना सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। एसएसपी का कहना है कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर रहेगी। इसके साथ ही छात्राओं और महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में कई संस्था सदस्यों के साथ महिला सब इंस्पेक्टर और महिला आरक्षी मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।